जेपीजी एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हम लोग भारतीय संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए उस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। बढ़ते हैं आज के पहले सवाल की तरफ। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो बी एन राव थे, वेनेगल नरसिंहम राव, जिन्होंने संविधान की सबसे पहले प्रारूप को तैयार किया। इनके द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप में कुल 243 अनुच्छेद तथा 13 अनुसूचियां थीं। इनके द्वारा तैयार किए गए प्रारूप की व्याख्या के लिए ही प्रारूप समिति का गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 को, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी, प्रारूप समिति बनाई गई थी, उसके सदस्यों की कुल संख्या 7 थी और अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर जी थे। बहरहाल पहले सवाल का ऑप्शन सी सही है। दूसरा सवाल, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? भीमराव अंबेडकर जी थे, प्रथम लॉ मिनिस्टर कानून मंत्री भीमराव अंबेडकर जी थे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? तो मैंने बताया कि ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसका निर्माण 29 अगस्त 1947 को हुआ, अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर जी थे और उनके अन्य सदस्य में एन गोपाला स्वामी, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी, सैयद मोहम्मद सदातुल्ला, बी एल मित्र और डीपी खेतान थे। डीपी खेतान की हालांकि असामयिक मृत्यु के बाद जिस नए व्यक्ति को उनके जगह पर लिया गया वो थे टी कृष्णमाचारी, यानी एन गोपाला स्वामी और अल्लादी कृष्णा अय्यर दोनों संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य थे। ऑप्शन सी सही है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और चौथा सवाल, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? यह स्टेटमेंट किसने दिया था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? ये स्टेटमेंट ऑस्टिन के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? ऑस्टिन के द्वारा दिया गया था, यानी ऑप्शन ए सही है। बढ़ते हैं पांचवें सवाल की तरफ। भारतीय संविधान सभा में कुल कितने महिलाएं थीं? तो संविधान के निर्माण के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी बनाई गई उसके कुल सदस्यों की संख्या वैसे तो 389 थी, 389 थी, जिसमें 15 महिलाएं थीं। कितनी महिलाएं थीं? 15, और उनमें सबसे अधिक 5 महिलाओं ने उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया, सुजिता कृपलानी, विजया लक्ष्मी पंडित, पूर्णिमा बनर्जी, कमला चौधरी और एकमात्र मुस्लिम महिला बेगम रसूल। इन 5 महिलाओं ने उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया। हालांकि भारत की पहली महिला राज्यपाल श्रीमती सरोजनी नायडू कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी में, संविधान सभा में उन्होंने बिहार का प्रतिनिधित्व किया, हंसा मेहता बंबई का प्रतिनिधित्व किया, राजकुमारी अमृता कौर ने मध्य प्रांत का जो है प्रतिनिधित्व किया, जी दुर्गाबाई मद्रास से, अम्मू स्वामीनाथन मद्रास से, मालती चौधरी उड़ीसा से, रेणुका राय पश्चिम बंगाल, लीला राय पश्चिम बंगाल, एनी मस्करिनो ट्रामनकोर से और दक्ष यानी बेला युदन मद्रास से। ये 15 महिलाएं थीं जो कि विभिन्न क्षेत्रों से कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी में प्रतिनिधित्व किया था। पांचवें का ऑप्शन ए सही है। छठवां सवाल, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित हुआ? तो भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना
भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1937 में किया गया था। छठे का ऑप्शन भी सही है। सातवां सवाल, भारत का संविधान की मूल प्रति किसने हाथ से लिखी थी? प्रेम बिहारी नारायण राय जादा के द्वारा भारतीय संविधान की मूल प्रति जो थी वो हाथ से लिखी गई थी। सातवें का ऑप्शन ए सही है। आठवां सवाल, संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब शुरू किया गया था? वैसे तो संविधान का कुल तीन वाचन हुआ था और प्रथम वाचन 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948, दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 जो कि सबसे लंबा रहा था, और तीसरा वाचन थर्ड रीडिंग जो हुई थी वह 14 से 26 नवंबर 1949 तक, 14 से 26 नवंबर 1949, यानी दिए हुए ऑप्शन में ए सही है। नवा सवाल, मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में लिया गया है। जैसा कि आप जानते हैं भारतीय संविधान में लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन करने के बाद जो कुछ भी यूनिक रहा उसे भारतीय संविधान में जो है स्वीकार किया गया था। 60 संविधान देशों के संविधान का अध्ययन हुआ लेकिन उनमें से कुछ ही देशों के संविधान से कुछ विशेष तथ्यों को सम्मिलित किया गया, और जिस फंडामेंटल राइट की बात की जा रही है, मूल कर्तव्य की बात की जा रही है, इसे भारतीय संविधान में रूस के संविधान से लिया गया है। किस देश के संविधान से? सोवियत संघ यानी रूस के संविधान से लिया गया, और दिए हुए ऑप्शन में क्योंकि नहीं है इसलिए डी नन ऑफ दीज सही है। दसवां सवाल, कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? तो सी राजगोपालाचारी बिल्कुल थे, शिक्षा मंत्री थे, जो कि कैबिनेट मिशन के तहत जो अंतरिम सरकार जो बनाई गई थी 1946 में, उसमें सी राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद जो कि खाद्य और कृषि मंत्री थे, जगजीवन राम जो कि श्रम मंत्री थे, लेकिन उसमें एस राधाकृष्णन को जो है जगह नहीं दी गई थी, यानी दसवें का ऑप्शन सी सही है। बढ़ते हैं 11वें सवाल की तरफ। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा सर्वप्रथम भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा एक निर्वाचित संविधान सभा के द्वारा संविधान निर्माण का प्रस्ताव कैबिनेट मिशन 1946 कैबिनेट मिशन 1946 के तहत किया गया था। कैबिनेट मिशन जो कि 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा था, उसके तीन सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस जो कि अध्यक्ष थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर, ये कैबिनेट मिशन के सदस्य थे जिनका भारत आने का उद्देश्य ही अंतरिम सरकार की स्थापना और संविधान का निर्माण था, यानी 11वें सवाल का ऑप्शन सी सही है। ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन अर्थात कैबिनेट मिशन 1946। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं 12वां सवाल, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है, तो भारत में राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा दिया गया। जैसा कि आप जानते हैं भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारत शासन अधिनियम 1935 का ही पड़ा है, और इसी के तहत राष्ट्रपति महोदय को अध्यादेश जारी करने की जो है पावर दी गई, शक्ति दी गई आर्टिकल 123 के अनुसार, अनुच्छेद 123 के अनुसार। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, संविधान सभा के चुने गए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के द्वारा जो चुने गए परमानेंट मेंबर थे, तो संविधान सभा की पहली जो बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में केंद्रीय कक्ष में आयोजित की गई। अध्यक्ष जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बनाए गए, लेकिन अस्थायी अध्यक्ष थे। जो दूसरी जब इसकी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को, तो इसके परमानेंट जो अध्यक्ष बनाए गए वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, यानी 13वें सवाल का ऑप्शन सी सही है। संविधान सभा की पहली बैठक में हालांकि 207 सदस्य ही उपस्थित हुए,
क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने इसमें हिस्सा लेने से मना किया था। 14वां सवाल, भारतीय संविधान को बनाने हेतु संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? कुल 12 अधिवेशन हुए थे। कितने अधिवेशन हुए थे? 12। 14वें का ऑप्शन सी सही है। संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया। अभी मैंने बताया था 29 अगस्त 1947 को इसका गठन हुआ था, जिसके कुल 7 सदस्य थे। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। हालांकि वल्लभ भाई पटेल जी को इनके अलावा भी जो जिम्मेदारी दी गई थी वो मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति, उसके भी अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ही थे। 16वें का ऑप्शन डी सही है। 17वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ग्राम पंचायत की शक्तियों का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया? तो आपको पता है जब हमारे मूल संविधान में कुल अनुसूचियों की संख्या 8 थी, एट प्रेजेंट वर्तमान में अब ये 12 हो गई है, और 11वीं अनुसूची 11th शेड्यूल ये ग्राम पंचायत से संबंधित है, जो कि 73वें संविधान संशोधन के तहत इसे 1992 यानी 1992 में जोड़ा गया था। बढ़ते हैं 18वें सवाल की तरफ। संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो संविधान सभा के सामने 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया, जिसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। और संविधान बनाने के पीछे हमारे संविधान निर्माताओं के क्या उद्देश्य थे, उसके पीछे क्या उनका पर्पस था, वही संविधान का प्रियम्बल कहलाया, प्रस्तावना कहलाया, उद्देशिका कहलाई, जिसका विचार अमेरिका के संविधान से और भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई थी। यानी 18वें का ऑप्शन ए सही है। 29वां सवाल, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के द्वारा जो विभिन्न प्रकार की समितियां बनाई गई थी उसमें झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इनके अलावा भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देसी रियायत समझौता समिति, संचालन समिति, नियम समिति, ये कुछ प्रमुख समितियां थीं जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। 20वां सवाल, किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था, स्वीकार किया गया था? तो जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 के दिन ही स्वीकार किया गया, अपनाया गया। जनगण मन जिसके रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, और जनगण मन की रचना उन्होंने तब किया जब 1911 में तीसरे दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। जनगण मन को 1911 में ही 27 दिसंबर के दिन कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, और 24 जनवरी 1950 के दिन इसे राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार कर लिया गया। 20वें का ऑप्शन सी सही है। अगले सवाल की तरफ। डीपी खेतान की आकस्मिक मृत्यु के बाद प्रारूप समिति के नए सदस्य बनाए गए थे, अभी मैंने बताया भी था, टी कृष्णमाचारी को इनके जगह पर नए सदस्य के रूप में स्वीकार किया गया। 21वें का ऑप्शन सी सही है। 22वां सवाल, संविधान सभा में महात्मा गांधी का निर्वाचन हुआ था, तो आपको बता दें संविधान सभा के जो 389 सदस्य थे उनमें महात्मा गांधी जी नहीं थे और इनका निर्वाचन नहीं हुआ था। जितने भी महत्वपूर्ण उस समय के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के या ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के जो नेता थे उसमें महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना, ये दोनों
कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, और जब सदस्य ही नहीं थे तो निर्वाचन का सवाल ही नहीं उठता है, यानी 22वें का ऑप्शन डी सही है। 23वां सवाल, संविधान सभा में बिहार का प्रतिनिधित्व किसने किया था? सरोजनी नायडू, जो कि भारत की पहली महिला राज्यपाल उत्तर प्रदेश की, और कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी में इन्होंने बिहार का प्रतिनिधित्व किया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसके द्वारा कहा गया था? एन ए पालकीवाला के द्वारा। एन ए पालकीवाला के द्वारा भारत के संविधान की प्रस्तावना को परिचय पत्र कहा गया था। भारत के संविधान की प्रस्तावना, जिसमें भारत शब्द का सिर्फ दो ही बार उल्लेख है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी भारत शब्द का सिर्फ जो है दो बार ही उल्लेख किया गया है। सिर्फ एक बार संशोधन किया गया, 42वां संविधान संशोधन 1976 में, जिसमें कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये तीन शब्द जोड़े गए थे। 25वां सवाल, दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान किया गया, तो भारतीय संविधान की जो 10वीं अनुसूची है 1985 में जिसे जोड़ा गया था, और ये एंटी डिफेक्शन लॉ दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है, यानी 25वें का ऑप्शन भी सही है। 26वां सवाल, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के विचार कहाँ से लिए गए थे? आयरलैंड से लिए गए थे, आयरलैंड से लिया गया था। इसके अलावा भी राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में जिन 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है, ये भी व्यवस्था आयरलैंड के संविधान से ही ली गई थी, यानी 26वें का ऑप्शन डी सही है। 27वां क्वेश्चन, किस मामले में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है? तो सबसे पहले 1960 में वेरुवादी वाद में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है और इसमें कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। इसका स्थान बिल्कुल वैसे ही है जैसे शरीर में आत्मा, आत्मा के बिना शरीर का कोई महत्व नहीं है, लेकिन आत्मा शरीर का अंग नहीं है। इसी तरह प्रस्तावना भी संविधान का आत्मा है लेकिन अंग नहीं है, और इसमें संशोधन नहीं हो सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, इस वाद में इन्होंने अपने ही फैसले को पलट दिया और कहा कि नहीं, प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसमें संशोधन हो सकता है, यानी 27वें सवाल का ऑप्शन बी सही है। 28वां सवाल, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है? तो भारत एक गणतंत्र राज्य है जहां पर भारत में वंशानुगत शासन की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है, 28वें का ऑप्शन बी सही है। 29वां सवाल, 6वीं अनुसूची संबंधित नहीं है, तो 6वीं अनुसूची में जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख हुआ है, और उनमें जिन 4 राज्यों का उल्लेख किया गया, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, मणिपुर का उसमें कहीं उल्लेख नहीं हुआ है, इसलिए 29वें का ऑप्शन सी सही है। 30वां सवाल, मौलिक अधिकार लिया गया है, फंडामेंटल राइट, किस देश से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। अमेरिका विश्व का पहला देश जिसने कि फंडामेंटल राइट को संवैधानिक दर्जा दिया, अपने संविधान में स्थान दिया, 30वें का भी सही है। 31वां, समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किए गए, 42वें संविधान संशोधन 1976, जिसको कि मिनी संविधान का दर्जा दिया गया, और इसी संविधान संशोधन में भारत की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे, 31वें का ऑप्शन बी सही है। 32वां सवाल, पदाधिकारियों के वेतन और भत्ता की जानकारी जो है किस अनुसूची से मिलती है? तो
पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते की जानकारी का उल्लेख दूसरी अनुसूची में हुआ है। किसमें हुआ है? सेकंड शेड्यूल में, दूसरी अनुसूची में। 33वां, आवास समिति के अध्यक्ष कौन थे? आवास समिति के अध्यक्ष पट्टाभी सीतारमैया थे, क्योंकि ऑप्शन में नहीं है इसलिए डी नन ऑफ दीज सही है। 34वां सवाल, स्वराज पार्टी के द्वारा सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग की गई। स्वराज पार्टी जिसकी स्थापना 1923 में मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास के द्वारा इलाहाबाद में किया गया था, और इसी पार्टी के द्वारा 1934 में सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग की जाती है। हालांकि संविधान सभा की मांग सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक के द्वारा अपने स्वराज प्रस्ताव में 1895 में भी किया गया था, और विभिन्न लोगों विभिन्न संगठनों के द्वारा आज़ादी के दौरान संविधान सभा की मांग की जाती रही। वो अलग बात थी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सबसे पहले इसे क्रिप्स प्रस्ताव 1942 के तहत स्वीकार किया और कैबिनेट मिशन 1946 के तहत इसको एग्जीक्यूट किया था, लागू किया था। 34वें का ऑप्शन बी सही है। 35वां सवाल, किस देश का संविधान अर्धलिखित है? ब्रिटेन का संविधान जो है अर्धलिखित है। अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है, जिसमें सिर्फ 7 अनुच्छेद दिए गए। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसमें कि 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और कुल 22 भाग थे जब संविधान लागू हुआ था। तो 36वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं, विधि द्वारा स्थापित व्यवस्था लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित शासन व्यवस्था का प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से किया गया था, अर्थात 36वें का ऑप्शन डी सही है। 37वां, विधानसभा की पहली बैठक के उपाध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 के दिन दिल्ली के केंद्रीय कक्ष में हुई थी, जिसमें सिर्फ 207 सदस्य ही उपस्थित हुए, और उसके अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और उपाध्यक्ष H.C. मुखर्जी बनाए गए थे। कौन बनाए गए थे? H.C. मुखर्जी। 37वें का ऑप्शन ए सही है। 38वां सवाल, संविधान सभा की सदस्य थी हंसा मेहता, रेणुका राय, कमला चौधरी, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी जो है संविधान सभा की सदस्य थी। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कुल 15 थी, अनुसूचित जाति 26 थे, अनुसूचित जनजाति सदस्य कुल 33 थे। 39वां सवाल, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? तो संविधान पांडुलेखन समिति यानी प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी को ही पांडुलेखन समिति कहा जाता है, और उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उसके सदस्य जो 7 सदस्य थे उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी नहीं थे, यानी 39वें का ऑप्शन ए सही है। 40वां, भारतीय संविधान को अपनाया गया था, संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। इसके द्वारा संविधान सभा के द्वारा 26 नवंबर 1949 के दिन, और लागू किया गया 26 जनवरी 1950 के दिन। 40वें का ऑप्शन ए सही है। भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में सर्वप्रथम निर्वाचन बंगाल से हुआ था, लेकिन पार्टीशन के बाद, विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल पाकिस्तान के हिस्से में चला गया, तो बंबई से पूना सीट से एस जयकर ने त्यागपत्र दिया, और उसी सीट से भीमराव अंबेडकर का पुनर्निर्वाचन हुआ था। यानी पुनः तब जो है बंबई प्रेसिडेंसी में जो है पड़ता था, यानी 41वें का बी। 42वें सवाल की तरफ, अंतरिम सरकार 1946 में मुस्लिम लीग के मोहम्मद अली जिन्ना थे। तो आपको बता दें कि अंतरिम सरकार जो कि 2 सितंबर 1946 के दिन बनी, प्रारंभ में इसके 13 सदस्य थे, जिसके उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। हालांकि 26 अक्टूबर 1946 के दिन मुस्लिम लीग सरकार में सम्मिलित होने का निर्णय लिया, इसलिए 3 लोगों को त्यागपत्र दिलाया गया और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के 5 सदस्यों को सम्मिलित किया गया था।
मोहम्मद अली जिन्ना को नेहरू से द्वेषवश छोटा कोई पद स्वीकार नहीं था, इसलिए उन्होंने सरकार में हिस्सा नहीं लिया। यानी 42वें का ऑप्शन डी सही है। भारत शब्द का प्रयोग प्रस्तावना में कितनी बार हुआ है? 2 बार हुआ है। हम भारत के लोग भारत को, यही प्रथम पंक्ति में ही भारत शब्द का जो है 2 बार प्रयोग होता है। यानी 43वें का ऑप्शन बी सही है। जोगेंद्रनाथ मंडल जो कि मुस्लिम लीग से थे और अंतरिम सरकार में कानून मंत्री थे, कानून मंत्री बनाया गया था इनको, यानी 44वें का बी। 45वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश से संबंधित है? संघीय शासन प्रणाली कनाडा के संविधान से लिया गया था, अर्थात 45वें का ऑप्शन ए सही है। यूनाइटेड किंगडम, इसे संसदीय शासन व्यवस्था को लिया गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका, जिससे कि फंडामेंटल राइट मूलभूत अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद और राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया भी संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई थी। बहरहाल 45वें सवाल का ऑप्शन ए सही है। संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा, प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका, ये किसका कथन है? सुभाष कश्यप का। सुभाष कश्यप के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया था। 46वें का ऑप्शन सी सही है। 47वां सवाल, संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी किसे कहा गया है? तो संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी भारतीय संविधान के प्रस्तावना को, उद्देशिका को कहा गया है। इसको कहा गया है, उद्देशिका को कहा गया है। कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी के द्वारा इसे भारतीय राजनीति का जन्म पत्री तक कहा गया, लेकिन 47वें सवाल का ऑप्शन बी सही है। 48वां, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय, कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, और वो सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल, 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। निम्नलिखित में 49वां सवाल, निम्नलिखित में कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? ऑप्शन बी को छोड़कर के बाकी सभी भारतीय संविधान की विशेषता है। यानी 49वें का ऑप्शन बी सही है। 50वां और अंतिम सवाल आज का, किसने कहा था भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है? तो केसी वियर के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया था कि भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है। इस तरह आज का यह सेशन समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ कि ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। धन्यवाद।